पीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए पहली किट ओमिश्योर को मिली मंजूरी, टाटा ने की है तैयार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,369 केस मिले, एक्टिव केस बढ़कर 1,71,000 पर पहुंचे। यमुना अथॉरिटी ने कोरोना काल में अपनी आमदनी 170% बढ़ाई। एप्पल ने रचा नया इतिहास, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी बनी। विराट कोहली की पीठ की चोट ने बढ़ाई चिंता, 2018 की स्लिप डिस्क की दिक्कत उभरने की आशंका। कोरोना का आंकड़ा शतक पार, नए वर्ष में फिर बढ़ने लगे मरीज, बढ़ते संक्रमण ने प्रशासन की बढ़ाई चिंता। बीते 24 घंटे में शहर में मिले 105 संक्रमित, वही ग्रामीण से सामने आए 20 नए संक्रमित। प्रॉपर्टी विवाद में मोहपा में हुई घटना, भाई ने बहन को उतारा मौत के घाट। तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, सीबीआई अधिकारी की दुर्घटना में हुई मौत, सिविल लाइंस परिसर की घटना। ऑफलाइन सभा बैठकों पर लगी रोक, राज्य सरकार ने जारी किए आदेश। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।